वायलेंस करवाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे। इसीलिए मैं मेरा गुजारिश एक ही है, आप लोग सोच के कांग्रेस पार्टी को वोट दो। जहां पर एमआईएम है, जहां पर सदर असद साहब, जहां पर उन्हें चुनाव में है, मेरे मुसलमान भाइयों को अगर देना है तो एमआईएम को वोट दो। जहां पर एमआईएम नहीं है वहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट दो। जहां पर असद भाई वोट नहीं मांग रहा, जहां पर असद भाई वोट नहीं मांग रहा, अकबर भाई वोट नहीं मांग रहा, वो जगह में चुन चुन के गिन गिन के कांग्रेस पार्टी के साथ कदम कदम चले, ये हिंदुस्तान को एकता करने में, एकता साथ में रहकर चलाने में खाली कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस चला सकते और किसी पार्टी का हक नहीं है। जब हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम हमारा है, कांग्रेस पार्टी का है। अगर आप लोग टीआरएस पार्टी को वोट दिए, बार बार तीन बार दिए, 2014 में, 2018 में, 2019 में असद भाई अकबर भाई का बात सुन के कार को आप वोट डाले, ये कार यहां से निकल के यहां पर माइनॉरिटी भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का, सिख भाइयों का वोटा लेकर हैदराबाद में, हैदराबाद से निकल के ऐसे कर दिल्ली जाके कमल बन रहा है पार्लियामेंट में। हर वक्त में एनआरसी में, कैब बिल में, 370 आर्टिकल में, ट्रिपल तलाक में, नोटबंदी में, जीएसटी में, अयोध्या के मामले में, हर वक्त केसीआर साहब ने मोदी साहब का साथ दिए। ये कैसा हो सकता, ये कैसा सेक्युलर हो सकता, ये कैसा मुसलमानों को बचा सकता? आप लोग सोच के ठंडे दिमाग से सोचो। अगर असद भाई कहने से अंधा कानून नहीं चलेगा, ऐसे काम ऐसे हरकतों को रोकने का वक्त आ गए। असद भाई जहां पर पतंग है उसको आप चढ़ाओ, पतंग को ओढ़ दो। जहां पर पतंग नहीं है हाथ को साथ दो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमानों का आवाज, मुसलमान आवाम के लिए जो एमआईएम काम कर रहा उनके तरक्की रहने दो, हमको कोई एतराज नहीं है। मेरा अच्छा दोस्त है असद भाई अकबर भाई, मगर मेरा ये कि असद भाई अकबर भाई से मेरा ये कि गुजारिश है, अरे क्यों भाई गलत दोस्तों के साथ आप घूमते, आपका भी इज्जत चला जाएगा। केसीआर जैसा चोर के साथ में, केसीआर जैसा चोर, झूठ बोलने वाले, नकारे करने वाले ऐसे आदमी के साथ आप क्यों जा रहे हो? सोचो, अगर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब रहा तो, बाने साहब रहा तो ऐसे हरकत आपसे नहीं करवाने देता था। मेरे को यकीन है, पूरा भरोसा है, सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अगर आज के तारीख में अपने बीच में रहा तो असद भाई को ऐसे काम नहीं करने देता था। क्यों ऐसा चोर के साथ आप चल रहे? कम से कम अभी तो भी सोचो, हैदराबाद को कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये अमित शाह आने के बाद, योगी आदित्यनाथ दास आने के बाद, भूपेंद्र यादव आने के बाद, ये सब लोग हैदराबाद में आके जहर फैला है। तो 20 साल से कांग्रेस पार्टी मेहनत कर ये कम्युनल जो हिंदू मुसलमान का गड़बड़ कम कर दिए।